हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 42 लेके आई हूँ। ठीक है बच्चों, इसमें जो आपकी वर्कशीट की हेडिंग है वो है भारत में संचार और व्यापार। ठीक है बच्चों, तो इसमें निजी संचार, जन संचार, इनके बारे में बताया गया है और व्यापार के बारे में बताया गया है। ठीक बच्चों, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों? आंसर है व्यापार के प्रकार। पहला है स्थानीय व्यापार, दूसरा राज्य स्तरीय व्यापार, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश का आर्थिक बैरामीटर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या अधिक देशों के बीच किया जाता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है, इसलिए इसे देश का आर्थिक बैरामीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दो है बच्चों, देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है, जब किसी एक वर्ष में आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है तो इसे व्यापार घाटा कहा जाता है। आयात अधिक होने से देश में विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर तीन है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है? अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दें, जब आपने इसके इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी कौन संभालता है? आंसर है, कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इसके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हमने इसमें से कई का उपयोग किया है, जैसे कि डाक की डिलीवरी, भारतीय डाक विभाग का डाकिया करता है। इसके अलावा बहुत सी ज़रूरतों का सामान कोरियर द्वारा भी हमारे घरों तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर चार है, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आंसर है भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देते हैं। स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है। इस सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है बच्चों, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है, आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आंसर है, दूर संचार तंत्र से भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार के देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दर को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार व अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से भी संभव हो पाया है तथा इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अनुकूल प्रभाव पड़ा है, जो कि गांव के विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये थे इस वर्कशीट के 5 क्वेश्चन बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।